गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाए हैं ये बॉम्बे डक बोम्बिल रवा फ्राई जो क्रिस्पी और क्रंची है। बोम्बिल को हम अच्छी तरह से धो के एक कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लेंगे। अब उसमें 2 हरी मिर्ची और 4 गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे आप अपने हिसाब से। इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। सब मसाला ठीक से लग जाना चाहिए। कॉटन से पोंछने का ये फ़ायदा होता है कि बोम्बिल का जो पानी है ना वो सूख जाता है। इसे हम 10 मिनट के लिए भी मैरिनेट करेंगे। हमने सूजी ले लिया है, उसमें 2 चम्मच हम बेसन का आटा डालेंगे। इसी से हमारी फिश बनेगी क्रिस्पी और क्रंची। इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। 1 by 1 करके हमें फिश को इसमें मिला के डिप करना है ऑयल में। हमारा ऑयल भी अभी गर्म हो चुका है, हम डालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें फिश को गोल्डन ब्राउन होने देना है। फिर इसे अलट पलट करना है। याद रखो ये बहुत डेलिकेट होती है, इसे हल्की से चम्मच से पलटाना है नहीं तो ये टूट जाएगी। देखिए हम इसे किस तरह से पलट रहे हैं। और जब फिश गोल्डन ब्राउन हो जाए आपको क्या करना है, इसे तवे पर साइड में ऊपर रख देना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है सारा के सारा नीचे आ जाएगा और फिश रहेगी क्रिस्पी। ये देखिए जो साइड में थी उसके हम निकाल लिए हैं उसे। लेट्स सर्व। ये देखिए हमारी क्रिस्पी क्रंची फिश तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलना फॉर लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।